नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां तोदी कॉलेज रोड पर चिरंजी लाल बदामी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया वातानुकूलित बस डिपो अधिकारियों की अनदेखी के चलते पार्किंग स्थल में तब्दील होता जा रहा है। उपखंड क्षेत्र की जनता के लिए वातानुकूलित आलिशान वेटिंग हॉल युक्त करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से चिरंजीलाल बदामी देवी मुरार का चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बस डिपो बनवाया गया था, लेकिन हालात यह है कि उक्त बस डिपो पर निगम की एक्सप्रेस बसें नहीं आती है। बस डिपो पर केवल सीकर व फतेहपुर के बीच चलने वाली निगम की लोकल बसें ही आती है, वो भी केवल 4:00 तक, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वातानुकूलित बस डिपो पर प्राइवेट बसें भी आती हैं, वहीं करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बस डिपो पर इन दिनों बाइक और प्राइवेट बस खड़ी रहते हैं, जिससे बस डिपो पार्किंग स्थल बनता जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ से राम शर्मा की विशेष रिपोर्ट।